काफी सारा सामान ले लिया है और खास करके मोतीचूर के लड्डू। हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूँ कल्याणी और मैं रहती हूँ स्विट्जरलैंड में। और आज ना हम आए हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, जो कि मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होंगे। ये है अग्रवाल स्टोर्स, जिसके यहाँ पे स्विट्जरलैंड में 3 ब्रांचेस हैं, मतलब एक ज्यूरिक, बर्न और बाजेल। यहाँ ये 3 जगहों पर अग्रवाल स्टोर्स है और इसका स्टोर बहुत ही बड़ा है, मतलब और यहाँ पे ना सब चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि इंडिया अपने जो चीज़ें होती है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जैसे कि पार्ले जी हो गया, बोनवीटा हो गया, ये सब चीज़ें अपने यहाँ पे जो मिलती है, यहाँ के सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती वो सारी चीज़ें, तो अपने को इंडियन सुपरमार्केट में आना पड़ता है और यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल जाती है। और मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही मिल जाती है, जैसे कि कलौंजी हो गया, है ना, जायफल हो गया, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है। तो चलो दिखाती हूँ कि कैसी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। एंट्री और गेट के एंट्री पे आप ये पीतल की बड़ी बड़ी ये क्या बोलते हैं इसको, दिया लगाने का जो होता है, अपने उद्घाटन करते तब रहता है। बढ़िया लग रहा है। हम आ चुके हैं स्नैक सेक्शन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हल्दीराम के सेक्शन इससे भरा हुआ है, बिल्कुल सारा आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हल्दीराम के। तो यहाँ पे ये आलू भुजिया है और आलू भुजिया का पैकेट है 2.5 फ्रेंच का। तो जो पैकेट अपने यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 30 या 50 रुपये का आता है ना शायद, वो पैकेट यहाँ पे 2.5 फ्रेंच का है। तो आलू भुजिया है, इसके बाद जो अपनी बीकानेरी शेव होती है भुजिया वो है, ऑनियन रिंग्स, मतलब हर चीज़ जो हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स में आती है, स्नैक्स प्रोडक्ट्स में, वो सभी हैं। और ये कुछ छेड़ास के भी प्रोडक्ट्स दिखे थे ना, हाँ ये छेड़ास करके जो प्रोडक्ट्स है उसके भी हैं यहाँ पे। पानी पूरी का पैकेट आ जाता है जिसमें तली हुई होती है ऑलरेडी पूरी, 30 पूरी होते हैं और ये पैकेट पड़ता है 5 CHF का, मतलब लगभग 400 रुपये का ये है जिसमें 30 पूरी आती है ऐसी। यार हमने बाकी पानी पूरी ट्राई करे हैं बट ये एक नया कंपनी का दिख रहा है जिसमें 50 पीस है और ये 5 CHF का ही है अभी, तो ये हम लेते हैं आज, ये ट्राई करेंगे। और इस स्नैक्स के अपोजिट काउंटर में, अपोजिट सेक्शन में ये रेडी टू मेक चीज़ें भी हैं, जहाँ पे आपको पाव भाजी मिल जाती है हल्दीराम्स की। यार कितना सही है, पनीर मखनी हो गया, मतलब अगर आप सिंगल यहाँ पे रहते हो तो ये सब चीज़ें मस्त हैं रेडी टू मेक में। ये पालक पनीर टोफू ये भी सही है, बैंगन का भरता मिल जाता है, कुछ अशोक का ब्रांड करके हैं उसका, साग आलू, आलू छोले, ये रेडी टू मेक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हो। और ये देखो हल्दीराम्स की यहाँ पे सोन पापड़ी है, ये पूरे सोन पापड़ी हैं। और ये हैं कराची हलवा ये हैं, और यहाँ पे ये रसगुल्ला रखा हुआ है और रसगुल्ला की प्राइस है 7.90 CHF। और ये है गुलाब जामुन रेडीमेड, है ना, हल्दीराम्स की जो होती है वो है 7.90 CHF में। देन अगेन रसगुल्ला, देन उपमा, गिट्स का जो प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ खमंग ढोकला, देन सांबर, रसम, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और उसके साथ ही अभी ये है जलेबी, ये जलेबी का पैकेट है, ये है लगभग 3 फ्रेंक्स का, तो ये ले लेते हैं। जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है तो हम वो बनाएंगे, और हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे 3 फ्रेंक का। हाँ तो इस साइड में है ये पूरा अचार का सेक्शन, तो देख पा रहे होंगे और कितना बड़ा सेक्शन है जहाँ पे ये मैं एक दो बता देती हूँ आपको, लाइन फिकल है ये पटाक्स पाठक्स का है, तो ये है 3.70 CHF का। तो बट हमको ना ज़्यादा प्रवीण के अचार बहुत पसंद है, तो अगर आप प्रवीण वाले सुन रहे होंगे तो प्लीज़ आप कुछ करो यार जुगाड़ और यहाँ स्विट्जरलैंड में प्रवीण के अचार अवेलेबल कराओ, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट प्रिया और पारस का है, तो ये सब इंडियन ब्रांड्स ही हैं जिनके अचार यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इस साइड में आओगे तो यहाँ पे ये पूरा राइस फ्लोर, मतलब फ्लोर जितने भी होते हैं ना, बाजरे का आटा, देन ज्वारी का आटा, तो ये सब फ्लोर जो भी होते हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। ये अभी पापड़ भी हैं, तो ये पापड़, तो ये पापड़ जो ये अग्रवाल का स्पेशल पापड़ दिख रहा है मुझे, तो अग्रवाल के भी इस स्टोर के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनका स्पेशलिटी होगी, ये सब भी यहाँ पर मिलता है। और सबसे मेरी प्यारी चीज़, मतलब पार्ले जी बिस्किट्स जो यहाँ पे मिल जाते हैं, पार्ले जी बिस्किट भी मिल जाते हैं। इसका रेट क्या है, इसका इसका रेट 10 फ्रेंक्स का है पैकेट ये। हाँ ये बड़ा अगर बड़ा वाला पैकेट 800 रुपए का, मतलब जो है वो है 9.40 CHF का।
और ये है ये टोस्ट पैकेट रस्क जो होते हैं कश्मीर ब्राउन कुछ, वो भी रस्क के भी यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज हैं। और ये बिस्किट्स में जो अपने इंडियन मार्केट में ही मिलती हैं, जैसे कि यहाँ के मार्केट में ये बिस्किट नहीं अवेलेबल होती हैं, तो ये सब है। छोटू पैकेट भी हैं कुछ 0.90 CHF रेपन्स का। और गुड्डी यार ये अपने यहाँ पे 1 रुपए का होता है, वो यहाँ पे 1 फ्रैंक का है। हाँ गुड्डे का भी है, गुड्डे का जो है ये अपने यहाँ शायद 20 फ्रैंक्स का होता होगा, 20 रुपीज का नहीं, 35। हाँ 35 रुपीज का है ये इंडिया में, यहाँ लिखा भी है, बट यहाँ पे ये चीज 3.90 CHF की है, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपए की। हाँ बट मिल जाता है सब कुछ। तो 50-50 है, इन बॉर्बन टाइगर बिस्किट, तो ये सब चीजें ना यहाँ के सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती है, मतलब लोकल जो होती है ये अपनी इंडियन मार्केट में ही मिलती है। तो यहाँ पे ये देखो ये मसाला सेक्शन है पूरा, जो भी स्पाइसेस अपने इंडियन स्पाइसेस जो अपने को लगती है रोज की जिंदगी में, तो वो सब चीजें यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि ये सौंफ है, सौंफ की कीमत है 50 ग्राम जो सौंफ है 1.90 में है। और ये देखो ये पॉपी सीड्स की कीमत है 100 ग्राम जो वो है 2.90 फ्रैंक्स में। और ये कलौंजी, आप सोच सकते हैं कलौंजी भी यहाँ मिल जाएगी घर की, तो इसकी कीमत है 2 फ्रैंक्स, तो 160 रुपए की 100 ग्राम। यस तो ये लौंग मिल जाती है, देन दालचीनी, ये सब कुछ, मतलब ये जायफल नटमेग जो होता है वो मिल जाता है, इसकी कीमत है 4.90 CHF। बट और ये मेथी दाना तक, आप सोचो मतलब मैं तो पहले बहुत ही शौक हो जाती थी कि मेथी दाना तक यहाँ पे मिल जाता है करके, तो ये 100 ग्राम है, 0 है 1.50 फ्रैंक्स में। तो यहाँ पे ये चटनी का सेक्शन, जो जहाँ पे ये बेड़े करके चटनी भी मिल जाती है, जैसे कि ये ग्राउंड नट चटनी है जिसकी प्राइस है 2.50 CHF। और ये देखो इसमें भी चटनी में भी गार्लिक की चटनी, देन मेथकुट मिल जाता है ना, तो हर चीज, तिल चटनी। और इस सेक्शन में पूरा दाल, जैसे कि ये मसूर की दाल की कीमत है 500 ग्राम जो है वो है 2.10 फ्रैंक्स में, 150 रुपए। अपना कैलकुलेटर है शशांक जी। और ये है वाइट बीन्स जो है 3.90 फ्रैंक्स में। और ये राजमा, देन किडनी बीन्स, देन मूंग दाल, और क्या है ये वाटाना हो गया, ये राजमा, रेड चावली, रेड पनीर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सारे पल्सेस मिल जाएंगे, ऐसे कोई पल्सेस नहीं होंगे जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल, राजमा, सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे है मैगी सेक्शन, अपनी मैगी एकदम, आटा नूडल्स भी है यहाँ पे, तो हम सोच रहे कि वो ले करके। यहाँ पे ये जो अपने यहाँ पे जो 20 रुपीज का आटा नूडल का पैकेट मिलता है वो है 1 फ्रैंक का, मतलब 80 रुपए का पड़ रहा है। और जो अपने मैदे की मैगी होती है उसका बड़ा पैकेट यहाँ पे देखिए 5.5 फ्रैंक का है, जो कि लगभग 450 रुपए को पड़ेगा। तो हम आटा नूडल्स ले लेते हैं, उठा लो, 4 6 ले लो यार। तो इधर आ जाइए, तो यहाँ पे है ये कॉस्मेटिक का सेक्शन, जहाँ पे आपको मिलेगा जॉनसन बेबी, वाटिका, आंवला, डाबर आंवला, सब कुछ। तो अभी ये डाबर आंवला की प्राइस बता देती हूँ मैं, इस ऑयल की प्राइस है 5.90 CHF, मतलब 6 × 80 बता दीजिए कैलकुलेटर जी, 500, लगभग 500 रुपए का, लगभग 500 रुपए। तो वाटिका में देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और अपना यहाँ पे इंडियन गाना भी ये गाने बज रहे हैं इंडियन। ये पैराशूट ऑयल भी मिल जाता है, तो इसकी प्राइस है पैराशूट ऑयल की जो कि लगभग 700 रुपए। यार ये बॉटल देखो 700 रुपए की बॉटल है जो इंडिया में 100 को मिलती है। तो वाटिका शैम्पू के प्रोडक्ट, अगर आपको मेहंदी लगानी है बालों को, अपनी इंडियन मेहंदी लगानी है, तो वो भी यहाँ मिल जाती है। तो और उसमें भी साबुन जो रहती है वो सभी साबुन, जैसे डेटॉल होगी, डेप्टॉल साबुन भी यहाँ मिल जाती है, तो ये है 2.20 फ्रैंक्स में। यहाँ पूरा पूजा का सामान है, जो अपन फुलवात वगैरह जो पूजा में यूज करते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि ये अगरबत्ती का है सेक्शन, अगरबत्ती पूरी बहुत सारे वैरायटीज में आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये इसकी प्राइस है 2 फ्रैंक्स, ये 2 फ्रैंक्स मतलब 150 रुपए का है ये। पीछे में पूरा
हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको कुलचा, गार्लिक नान ये सब मिल जाता है, पंजाबी छोले हो गया, ये जो भी फ्रोजन सेक्शन होता है वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और ये देखो कचौड़ी है, यहाँ पे समोसा है, छोले का पैकेट है यहाँ पे 4 फ्रैंक्स का, और यहाँ पे लच्छा पराठा, नॉर्मल अपने फुल्का रोटी भी है, घर के पराठे भी है। तो हल्दीराम के यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत वैरायटी है यहाँ पे। सब्जियों में भी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये रेडी टू कुक हैदराबादी बिरयानी, मटर पनीर, दाल मखनी, और ये सारे जो पैकेट्स हैं ये लगभग 4 से 5 फ्रैंक्स के बीच में है, जो कि होता है लगभग 400 से 500 रुपये। और यहाँ पे और पैकेट्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पराठे हैं सब, तो आपको यहाँ पे आलू पराठा, प्याज का पराठा, मेथी पराठा, मूली पराठा, ये सारे पराठे की वैरायटी मिल जाएगी। और जो एक एक पैकेट है उसकी रेंज है लगभग 3 से 5 CHF के बीच में पराठे हैं। ये जो फुल्का रोटी है इसमें 12 पीस है, और जो ये मूली का पराठा है इसमें 4 पीस है, 4। और सच बताया तो हमको भी मतलब इंडिया में इतनी चीजें पता ही नहीं थी कि इतना फ्रोजन चीजें हल्दीराम से मिलता है करके, है ना। हाँ। यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा फ्रोजन, तो ये फ्रोजन चीजें सब हल्दीराम मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट करता होगा। हाँ, और ये बहुत वैरायटी, इडली भी दिख रही है इसकी, मतलब इडली भी ऐसे बेच रहे भाई, फ्रोजन इडली, फ्रोजन इडली। फ्रोजन इडली तो है बट ऐसा बैटर भी मिल जाता है फ्रोजन, मतलब इडली का, जो कि बहुत अच्छा होता है काफी, मतलब घर पे गर्मा गर्म इडली बनाओ और खाओ। और ये है वो फिश काउंटर जो कल्याणी बता रही थी कि यहाँ पे फ्रेश फिश काउंटर लगता है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ्रेश फिश फ्रॉम इंडिया एवरी थर्सडे आफ्टरनून। तो यहाँ पे ये सब्जी का काउंटर जहाँ पे सब कुछ, सब सब्जियाँ मिल जाती है, जैसे की बैंगन में ही देखो, बैंगन में देखो आप कितनी वैरायटी है, मतलब जितने अपने इंडिया में मिलते होंगे उतने ही यहाँ पे भी मिल जाती है, कि यहाँ से ये व्हाइट बैंगन, देन ग्रीन, देन डार्क ग्रीन, देन थोड़ा सा पर्पल वाले में, फिर लंबे वालों में, फिर भरता बैंगन, ऐसे 6-7 तो बैंगन में वैरायटी है। देन नीचे में देखो आप तो ये स्वीट पोटैटोज में वैरायटी है इतनी, 4 अलग अलग टाइप के। बता दो थोड़े। हाँ, ये व्हाइट बैंगन जो है वो है 1 kg 8 francs के लिए, 8.5 francs के लिए 1 kg, 7, 7.5 francs के लिए, तो बेसिकली 7 से 8 francs के लिए 1 kg बैंगन आ रहे हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ पे कच्ची कैरी भी मिल जाती है, तो इसकी प्राइस है पर केजी 8.90 CHF। और यहाँ पे ये देखो भिंडी है, देन ये दूधी है, और ये दूधी की प्राइस है 7.80 CHF। तो ये तूरिया मिल जाता है यहाँ पे, देन अपने करी लीव्स, तो ये करी लीव का पैकेट हमने लिया है, ये है 3.50 francs, मतलब 300 रुपए के लिए लगभग। हाँ, और आंवला मिल जाता है, बट ये अभी थोड़ा खराब हो गया है, बट अच्छे भी रहते हैं, जब फ्रेश जब आते तब अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। और ये लेमन है, और ये लेमन में 2 वैरायटी है, ये पूरा येल्लो वाला है, और ये अपना इंडियन जो ग्रीनिश मिलता है ना, वो पतला थोड़ा सा होता है उस पर। ये देन ये चिली, ये ग्रीन चिली जो होती है ना, वो इंडियन मार्केट में ही मिलती है, ये अपने मतलब यहाँ के नॉर्मल इसमें नहीं मिलती है, तो यहाँ से हम लेते हैं मोस्टली, बट अभी है हमारे पास घर पे। इसकी प्राइस है 2.50 पर स्टक, मतलब एक नारियल है 2.5 फ्रैंक का, लगभग 200 रुपए। हाँ, और यहाँ पे ये सारे स्वीट्स रखे हुए हैं, तो जलेबी है, रसगुल्ला है, बर्फी है, गुलाब जामुन है, और ये स्वीट्स के जो पैकेट है ये एक एक पैक में लगभग आई थिंक 8 से 10 पीस है, और 6 फ्रैंक्स के लिए है ये, मतलब 500 रुपये, 500 रुपये में एक पैक। और यहाँ पे ये इमली वगैरह भी मिल रही है, ये अपना झाड़ू भी मिल जाता है, तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। झाड़ू की प्राइस क्या है, प्राइस नहीं लिखी है यहाँ पे, क्या प्राइस लिखी है? 6 रुपए लगभग। यहाँ पे ये प्याज का, प्याज में भी 4 प्याज है, बड़े, पर ये तो अपने उधर लोकल स्टोर्स में भी मिल जाता है। हाँ, तो हम वहीं से लेते हैं, अच्छी होती है। अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप भी प्रिफर करो कि आप अपने लोकल स्टोर जो ग्रोसरी मार्केट मिलते हैं स्विट्जरलैंड के, तो वहाँ से आप प्याज, टमाटर ये सब वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छे रेट दाम में मिल जाता है आपको। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बर्तन के सेक्शन में, और यहाँ पे सारे अपने इंडियन बर्तन रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे नाइफ्स है, ये चमचे वगैरह, तो ये जो एक स्पून है
स्पून नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं जिससे अपन तलते वगैरह है, ये एक चम्मच है तीन फ्रैंक के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ये अपनी चाय की छलनी भी है, और ये छलनी की कीमत है 3.5 फ्रैंक्स। तो और यहाँ पे ये पैन वगैरह भी है, तो ये जो पैन है जो अपना छोटा साइज जिसका होता है, इसकी प्राइस है 15 फ्रैंक्स। और यहाँ पे है ये कुकर हॉकिंस का, और हॉकिंस का जो कुकर है उसके रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो 2 लीटर का कुकर होता है उसकी प्राइस है यहाँ पे 36 फ्रैंक्स, 3 लीटर का 60 फ्रैंक्स, 5 लीटर का 90 फ्रैंक्स प्राइस है। तो कुकर भी यहाँ पे है अवेलेबल, सारे साइजेस अवेलेबल नहीं होंगे बट 2 तो दिख रहे हैं। हमने हमारे वीडियोस में बताया था कि आप ये लेके आए इसीलिए क्योंकि यहाँ की प्राइस देखिए आप, ये 6 से 7 हजार नहीं तो 10 हजार तक आपको 5 लीटर का कुकर आएगा। तो इसलिए हमने बताया था कि आप इंडिया से लेके आइए अगर पॉसिबल है तो। और ये मिक्सर भी है यहाँ पे, तो ये मिक्सर ग्राइंडर जो है 600 वॉट का, इसकी प्राइस है 80 फ्रैंक्स। तो ये दिए दीपावली के अपने एकदम ट्रेडिशनल फील दे डिजाइनर, हाँ डिजाइनर, और इसकी प्राइस है 7.50 फ्रैंक्स है ये। और यहाँ पे ये देखिए ये बेलन भी मिल जाता है, तो इसकी प्राइस है 5 फ्रैंक्स मतलब 400 रुपीज। तो अपने यहाँ कितना मिलेगा, 20, 30, 40, 50 ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए बोला था कि ये इंडिया से लेके आएगी। चकला की प्राइस है 7 फ्रैंक्स चकला प्लेट। ये बता देते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपको थाली लेनी है तो ये भी ले सकते हो स्टील की थाली। यहाँ पे लोग ज़्यादातर सिरेमिक यूज़ करते हैं, पर आपको स्टील की थाली चाहिए तो आप ये ले सकते हो जिसकी प्राइस है 11 फ्रैंक्स। तो यहाँ पे ये अपना देसी घी भी मिलता है, और इसकी प्राइस है, ये जो 500 ग्राम है इसकी प्राइस है 11 CHF, मतलब ऑलमोस्ट 800 से 900 फ्रैंक्स 900 रुपये। इतना बड़ा आटा सेक्शन, आटा और राइस सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद आटे की कीमत है 5 kg, 17 CHF में मिलता है। और ऐसे ही पिल्सबेरी भी है, पारस आटा है, और इनका स्पेशल अग्रवाल का भी चक्की आटा मिलता है यहाँ पे, जिसकी प्राइस है 11.90 CHF। मतलब ये इससे बहुत सस्ता है वैसे तो। ये तो आशीर्वाद का ये मल्टी ग्रेन है, जो आशीर्वाद का नॉर्मल होता है वो ये है, और वो 12.5 फ्रैंक्स। तो यहाँ पे ये फ्रूट्स का सेक्शन है जिसमें ये मैंगोज है, तो बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। और ये है पपाया, सीताफल की तरह गुआना बना है। कौन सा ये, क्या सीताफल की तरह होता है ये? उसी फैमिली का है सीताफल की, वो हस्बैंड है वाइफ। अच्छा, इसमें भी बीच सेम रात रात को ये टेस्ट भी ऑलमोस्ट अच्छा है। यहाँ पे ये अनार रखा हुआ है, देन अमरूद है, ये देखो एक गन्ना भी मिल जाता है यार। फ्रूट और आ जाएंगे फरवरी के बाद, चीकू वगैरह बेर और सारा कुछ फरवरी में आता है क्या? फरवरी में सीजन हो जाता है। अच्छा, तो अंकल बता रहे कि फरवरी में और बहुत सारे जैसे कि बेर हो गया, ये सब जितने भी इंडिया में सीजनल जो फ्रूट्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, और हापुस आम भी आएंगे 2 महीने में। और यहाँ पे इसके रेट्स लिखे पर केजी के हिसाब से। तो ये ऐसा काउंटर भी होता है जहाँ पे आपको फ्रेश मिलेगी चीजें। तो इसमें वड़ा दिख रहा है, दाल वड़ा है, स्प्रिंग रोल है, समोसा। तो एक समोसा यहाँ 2 रुपए का है, वड़ा जो है वो चना का वड़ा है वो भी 2 रुपए का है, फिर वेज रोटी 3 रुपए की है, चिकन रोल 3 रुपए का है, लैम रोल 3 रुपए का है। तो यहाँ पे ये फ्रूट सॉरी क्या ड्रिंक सेक्शन है, तो जिसमें फ्रूटी तक है, अपने यहाँ की फ्रूटी जो कि मुझे बहुत पसंद थी बचपन में, तो ये सब चीजें यहाँ मिल जाती है। कांच की बोतल में ये फैंटा, कोको कोला, थम्स अप, लिम्का। यार ये तो लगता है अपने बिल्कुल इंडिया से ही उठा के लाया है, बिल्कुल वैसी कांच की बॉटल है वैसी। वैसे यहाँ पे यूजुअली मिलता नहीं है ऐसा, नहीं। सब प्लास्टिक की बॉटल्स में होता है। हमारा अभी शॉपिंग भी हो गया है, हमने काफी सारा सामान ले लिया है, और खास करके मोतीचूर के लड्डू शशांक की तरफ से पार्टी मुझे, थैंक यू बेबी, आई लव। और ये हमने हल्दीराम के समोसे भी लिए हैं। हाँ, तो चलो अभी बिलिंग कर लेते हैं। You better turn
If I should fall, just go ahead, go and catch me, baby. और यहाँ पे ना ये सब चीज़ें भी मिल जाती है, जैसे कि ये गुड रेवड़ी हो गई, जैगरी, देन ये बताशा होता है, देन ये तिलगुल के लड्डू, मुरमुरा लड्डू। यार मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो अपने बचपन की याद दिलाती हैं, सब यहाँ पे मिल जाते हैं। और अभी हम ये चिकन रोल ले रहे हैं। सो गाइज़, हम अभी बाहर आ चुके हैं शॉप के और हमारा शॉपिंग हो गया है। और ये जो स्टोर है वो उसके ओनर जो है वो अग्रवाल है और वो पंजाब से है। हमें एक्चुअली ना अंदर हमारे सब्सक्राइबर भी मिले थे और बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि उन्हें मतलब हेल्प हुई। वो पिछले साल यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, स्विट्ज़रलैंड में मूव हुए थे और इंडिया से, और उन्हें हमारे वीडियोस देख के हेल्प भी हुई, तो वो काफ़ी अच्छा लगा ये फीडबैक सुन के। ऐसा था यहाँ का ये इंडियन स्टोर, और यहाँ पे आके सारी अपनी इंडियन चीज़ें देखने मिलती है तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मतलब प्रॉपर इंडियन चीज़ें जो होती है सारी यहाँ पे मिल जाती है, जैसे पूजा का सामान वगैरह हो गया, अगरबत्ती वगैरह, आपके यहाँ पे अपन जो हल्दी कुंकू वगैरह रहता है वो भी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में इंडियन फ्रूट्स जो अपने हाफूस आम हो गए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इंडियन चीज़ें मिल जाती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया तो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जो यहाँ पे शायद मूव करेंगे या फिर स्विट्ज़रलैंड आएंगे, तो उन्हें हेल्प हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कौन सा सामान लाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए। और इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बना भी चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, और मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। सॉरी क्या होती है लॉन्ग लॉन्ग, हाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज लाऊंगी इलायची।